Hi friends, welcome to safety tech travel. Today we are going to discuss about the life raft. Life raft, most of the safety personnel must know this life raft, and life raft is a safety device, the rescue device you know, which is secured on the boat. So we will go for a video. If you are watching first time our video, please subscribe our channel and share with our friends. So we will go for our video. चले दोस्तों आ, ये जो दिखा रहा है सफ़ेद कलर का इसको बोलते हैं लाइफ राफ्ट ये जो सेफ्टी पर्पस के लिए अपना टकबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है और ये टकबोर्ड में देखिए यहाँ इसके ऊपर एक इंस्परेशन स्टिकर होता है और ये लाइफ राफ्ट के ऊपर एक इंस्परेशन स्टिकर रहता है इंस्परेशन स्टिकर में क्या डिस्क्राइब किया जाता है उसमें वैलिडिटी जो लास्ट एक्सपायर डे पैलिडिटी जो इसको हर साल में सर्विस करना चाहता है इसको सर्टिफिकेशन होना चाहिए तो इसको सर्टिफिकेशन हम नॉर्मल नहीं खरीद सकता है इसको तो मरइन सर्वेयर अप्रूव एजेंसी से इसको रि लेना चाहिए वो लोग इसको स्टिकर लगाता है जो अपना मंथली इंटरनल स्टिकर खाली जो नोटि इंस्पेक्शन के लिए लगा सकता है लेकिन थर्ड पार्टी के लिए हम लोग थर्ड पार्टी स्टिकर लेना चाहिए जो लाइफ लाइफ्राफ्ट का ऊपर आ, वेसल का नाम लिखना चाहिए एक एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड से लैपटॉप चेंज नहीं कर सकते इसको हम लोग को एक नाम आप देख सकते दे, देखा होगा ए टी बार किंगस्टन इसका मतलब है इसका नाम टक टी, बी लिमनोस किंगस्टन ये बोट रजिस्टर किया हुआ है वो जगह का नाम है किंगस्टन तो इसको ऊपर वो भी मैंशन करना चाहिए टकबोट इसी तरह सिक्योर किया होगा बोट को ऊपर जैसा इधर एक वार्निंग दिया जाए नॉट पुल ऑन द पेंदर लाइन वेन सिक्योरिंग टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट इधर एक वार्निंग क्या है अब ये बोट को ऊपर ये लाइफ रात हमें सिक्योर किया उसको ऊपर पेंदल लाइन को रिमूव नहीं करना चाहिए होने के बाद में इसको सिक्योर करने के लिए एक डिवाइस किया डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है उसको बोलता है हाइड्रोस्टैटिक रिलीज हाइड्रोस्टैटिक रिलीज इसको इसके ऊपर बीच में फिटर किया जाता है मतलब लाइफ राफ्ट का रोप परमानेंट लाइन से लाइफ राफ्ट को कनेक्ट करने के लिए फिटर करता है तो इसका पर्पस क्या है लाइफ राफ्ट इसको कई अगर इनकेस एमरजेंसी में इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको टाइम नहीं मिला अगर कोई आदमी लोग बोट में नहीं था अगर आदमी लोग कोवेक्ट करने के लिए और लाइफ राफ्ट एक्सपेंड करने के लिए हमको टाइम नहीं मिला तो बोट ये सेफ्टी फैक्टर रखा है इसका अंदर जो लाइफ लाइफ्राफ सिंक होने के टाइम में ऑटोमेटिकली ये हैमर जो हाइड्रोस्टेटिक रिलीज ये रोप को कट किया जाता है एंड लाइफलाफ को रिलीज होता है राइफ्लाफ रिलीज होने के टाइम में राइफल रिलीज होने इसको ऑटोमेटिकली कट करता है 1.5 मीटर डेप्थ में अगर बोट और लाइफ्राफ सिंक होके वो एक पॉइंट से चार मीटर के अंदर सिंगिंग होता है पानी में इसको ऑटोमेटिकली रिलीज प्रेशर मिल जाता है समुद्र के प्रेशर में ये एक्टिवेट होकर रोप को कट करता है तो इसको ऐसा सिक्योर किया जाता है एक छोटा सा हुक रहेगा उसको यू शेप में रिंग शेप में एक रस्सी बांधा हुआ है ये रस्सी को ये काटता है इसको एक मैनुअल रिलीज भी होता है इंगेज मैनुअली रिलीज करने के लिए इसको सिक्योर करके रखता है इसको एक्सपायरी डेट रहता है इसमें यहाँ देखना एक्सपायरी डेट मंथ मई मई मंथ वैलिडिटी 2021 तक रहता है इसको वैलिडिटी है इसको वैलिडिटी अपडेट करना चाहिए इधर इसका एक्टिवेशन आ, एक्टिवेशन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं ड्यूरिंग एमरजेंसी में ये पहला पिक्चर जो है इसमें लाइफ्राफ्ट एक सिक्योर किया होगा स्ट्रक्चर के ऊपर सेकेंड उसमें हम लोग एक्टिवेट करने के लिए फेंकना चाहिए ये रेलिंग के ऊपर से लाइफ्राफ्ट को समुद्र में फेंकना चाहिए उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है हम लोग को उसको एक पिंडल लाइन है जो एक्टिवेशन रोप होता है उसका साइड में जो रखा है उसको एक अच्छे तरह बांधने के बाद में इसको फेंकना है दोनों तरफ उठा के नहीं फेंकना है उसको एक पिंडल लाइन को किधर भी बांधना है नहीं तो अपने हाथ में होल्ड करना चाहिए और किधर बांध के रहेगा तो सबसे सही रहेगा तो उसको पुलिंग हमारा आदमी को खींच के समुद्र पर नहीं डालेंगे तो उसको एक बराबर बांध के बांधना चाहिए बाद में लाइफ राफ पानी में फेंकना और पिंदल लाइन को खींचना है एक चार तीन चार पाँच मीटर के ऊपर खींचने के बाद में कंटिन्यूस खींचो जब तक उसको एक्टिवेशन नहीं हो जाए तो जब भी कंटिन्यूस खींचेंगे उसको एक्टिवेशन होकर एक छोटा सा बोर्ड तरह बनता है उसके बाद में आदमी लोगों को उसका अंदर जा सकता है बाद में ये लाइन को काटना चाहिए ये कप को ऊपर मिनिमम रहने के लिए सब चीज़ रखा हुआ है बिस्कुट और फिशिंग आइटम्स टॉर्च लाइट सब रखा है नाइफ उसका अंदर सब कुछ सामान रहता है टैबलेट भी इसके ऊपर इसके इसका अंदर आपको मिलता है बोर्ड का अंदर यहाँ आपको देख सकता है इसको लेप्राफ को एक स्टिकर दिया जाता है उसका रजिस्ट्रेशन नाम तो इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन बोर्ड का नाम होता है कितना आदमी यूज़ कर सकते है? दस आदमी छः आदमी को यूज़ करने के लिए इसका आदमी को मेंशन किया हुआ है उसको ग्रेड और उसका नंबर और उसका मैनुफेक्चर डेट लैपटॉप मैन्यूफैक्चरिंग डेट उसका सर्विस डेट एंड नेक्स्ट सर्विस डेट आठ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी इसको मीटर लंथ uh, भी यहाँ लिखा होगा तो इसके ऊपर एक छोटा सा पाइप जैसा दिखाई दे रहा है उसको ऊपर आपको इसका डिटेल प्लान मिल जाता है इसका अंदर आइटम और उसका प्लान बोर्ड का प्लान इसको मिल जाता है जो इसको मेजर चीज़ से कहना इसको बराबर मेंटेन कर लेना उसको मंथली इरली इंस्पेक्शन में कंटिन्यू कर लेना ऑटोमेटिक करना पड़ेगा इसको सर्वे होता है तो उसको तो चीज़ के इसको ऊपर दूसरे तरीके से कुछ सामान नहीं रखना इसको और कुछ इसमें से बांध के नहीं रखना चैनल and see you with another topic if you want to add any other subject from your side please put a comment and thank you for watching our video